नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या। एक वक्त था जब पुलिस का नाम सुनते ही हर किसी के दिल में खौफ बैठ जाता था, फिर चाहे वो अपराधी हो या आम आदमी। मगर आज योगी राज में पुलिस का जितना खौफ माफियाओं, गुंडों, अपराधियों में देखा जा रहा है, उतना ही प्यार यूपी की आम जनता के लिए देखा जा रहा है। अगर यकीन नहीं आ रहा तो जिला गोंडा से आई ये दो तस्वीरें देख सकते हैं। ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इनमें से पहली तस्वीर में आप गोंडा पुलिस का वो चेहरा देख सकते हैं जिसे देखने के बाद अच्छे से अच्छे अपराधियों के पसीने छूट जाएं। ये नज़ारा है उस वक्त का जब गोंडा पुलिस कोतवाली देहात थाना इलाके में एक अभियुक्त को जिला बदर करने का ऐलान कर रही थी। आनंद नाम के शख्स के खिलाफ गोंडा पुलिस ने पहले तो गुंडा एक्ट में कार्रवाई की, फिर सरे आम डुगडुगी बजवा कर मुनादी करवाई और गोंडा जिले से बाहर खदेड़ दिया गया। नजारा बता रहा है कि माफिया और अपराधियों के खिलाफ गोंडा पुलिस किस कदर एक्शन ले रही है। गोंडा पुलिस का दूसरा रूप, अपराधियों के खिलाफ तो गोंडा पुलिस का एक्शन आपने देख ही लिया, अब चलिए आपको दिखाते हैं पुलिस का मानवीय चेहरा। दरअसल कुछ ही दिनों पहले एक गरीब परिवार गोंडा के SP संतोष मिश्रा के पास फरियाद लेकर आया था, जिसकी फरियाद खुद IPS संतोष मिश्रा ने सुनी। मगर सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि फरियाद सुनने के साथ साथ SP संतोष मिश्रा ने इस कड़कड़ाती ठंड में फरियादियों को बिना किसी गर्म कपड़े के देखा तो उनका दिल पसीज गया और तुरंत पुलिस कर्मियों को आदेश दे दिया कि उनके लिए गर्म कपड़े का इंतजाम किया जाए। और कुछ देर बाद नज़ारा एकदम बदल गया। जिन बच्चों के तन पर गर्म कपड़े नहीं थे उन्हें पुलिस कर्मियों ने ना सिर्फ गर्म कपड़े पहनाए बल्कि गोद में खिलाया भी। अपने बेटों के लिए पुलिस की ओर से मिली ये मदद देखकर गरीब मां के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। ये दोनों तस्वीर बता रही हैं कि गोंडा पुलिस अपराधियों के लिए अगर काल है तो गरीबों के लिए मसीहा भी है। आप जैसे कर्म करोगे गोंडा पुलिस आपके साथ उसी तरह से पेश आएगी। बहरहाल गोंडा की इन दो तस्वीरों को देखकर आपका क्या कहना है हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही आइए आपको योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो खुद बता रहे हैं कि यूपी की पुलिस अपराधियों के खिलाफ किस कदर एक्शन ले रही है। मौले यही तो महाभारत में कहा था। महाभारत के शांति पर्व में एक चर्चा आती है, जब भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे होते हैं उस समय युधिष्ठिर उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वास्तव में राजधर्म क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते थे कि परिस्थितियां राज्य को या राजा को बाध्य कर देती है अपने रूप चलने के लिए। लेकिन भीष्म पिता ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा राजा कालस्य कारणम, योग्य राजा है, योग्य शासक है वो परिस्थिति के अनुसार नहीं चलता बल्कि परिस्थितियों को अपने रूप मोड़ता है। और भारत ने उन परिस्थितियों के को अपने अनुरूप मोड़ा है। हम कोरोना के पीछे नहीं भागे बल्कि कोरोना को पीछे भागने के लिए मजबूर किया। आज सारे पर्व और त्योहार बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। बुरा लगता है लोगों को जब माफिया बात करते हैं, जब माफियाओं पर बुलडोजर चलते हैं, उनकी अनैतिक और अवैध कमाई पर बहुत सारे लोगों को पीड़ा होने लगती है। ये सब क्यों हो रहा है? यानी किसान आत्महत्या करे तो पीड़ा नहीं,
गरीब भूख से मरे तो पीड़ा नहीं, जब लोग इंसेफ्लाइटिस से पूर्वी उत्तर प्रदेश और प्रदेश के 38 जनपदों में मस्तिष्क ज्वर से मरते थे बच्चे, तब पिछली सरकारों में पीड़ा नहीं होती थी। जब बालिकाओं की इज्जत के साथ सरेआम खिलवाड़ होता था तब उन्हें पीड़ा नहीं होती थी। जब आस्था के साथ प्रदेश के अंदर खिलवाड़ होता था तब पीड़ा नहीं होती थी। पीड़ा कब होती है? जब माफिया की छाती पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चलता है। और ये बोखलाहट आज कभी कभी उनकी उजागर भी होती है। आज देख रहे होंगे सभी माफिया प्रवृत्ति के पत्तों में घोड़ सी लगी है फिर एक राजनीतिक दल के पास जाने की, और हम लोगों को प्रसन्नता है ये माफिया ही इनकी कब्र खोद देंगे तो अच्छी बात है, जनता को फुर्सत ही नहीं मिलेगी। 4.5 वर्ष पहले प्रदेश में कैसी सरकार थी, वह केवल भाई भतीजावाद और वंशवाद करती थी। तुष्टीकरण के नाम पर आपके हक पर डकैती डालने का कार्य करती थी। गुंडागिरी और दंगा प्रदेश की पहचान बन चुका था। नौजवानों की नौकरी को इनके द्वारा नीलाम कर दिया जाता था। गरीबों के पेट में जाने वाला निवाले पर लोग टकैती डालने का कार्य करते थे। लेकिन आज आप देख रहे होंगे आज नौजवान सरकारी नौकरी पा रहा है। पुलिस की भर्ती भी हमने कहा 20% बालिकाएं भर्ती होनी चाहिए और 20% भर्ती 30,000 महिला पुलिस अधिकारी और महिला आरक्षी उत्तर प्रदेश के अंदर है, जो मिशन शक्ति के साथ जुड़ करके हर बालिका हर बेटी और हर बहन को सुरक्षा की गारंटी दे रही है। मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम गांव गांव तक पहुंच रहा है। वहां पर महिला बूथ बना करके महिलाओं के कल्याण से जुड़ी हुई योजनाओं का लाभ गांव के अंदर दिलाने के लिए जागरूकता भी पैदा कर रही है। कन्या सुमंगला योजना क्या है, सामूहिक विवाह की योजना क्या है, निराश्रित महिला पेंशन की योजना क्या है, इन सभी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी उनके द्वारा न केवल सुरक्षा का बल्कि सम्मान और स्वावलंबन के साथ कैसे जीवन आगे बढ़ाया जाता है यह कार्य भी किया। लेकिन साथ साथ प्रदेश के नौजवानों को नौकरी उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी मिली है। भाइयों बहनों पहले नौकरी गिरवी रखी जाती थी। एक परिवार नौकरी निकलती थी उसके परिवार के सभी सदस्य नौकरी को गिरवी पर रख करके जगह जगह वसूली करने के लिए निकल पड़ते थे। आज कोई नौकरी को नीलाम करने का प्रयास करेगा तो नौकरी तो नहीं नीलाम कर पाएगा, अपने घर को जरूर नीलाम करवा देगा। पहले माफिया सत्ता का संचालन करते थे और सत्ता इनकी सागिर्द बन करके इनके सामने दुम दबा करके चलती थी। आज इन माफिया और अपराधियों के घरों पर अवैध कमाई पर जब सरकारी बुलडोजर चलता है तो आप भी देखते होंगे कि माफिया उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। और हर एक माफिया के लिए हमारा यही संदेश है कि अगर गरीब का किसान का व्यापारियों का अगर जीना हराम करोगे तो सरकार तुम्हारा जीना हराम कर देगी और सरकार पूरी मजबूती के साथ कानून का राज होगा। इस बात को केवल कहेगी नहीं, इसको करके भी दिखाएगी और सरकार ने यह प्रदेश के अंदर करके दिखाया है। और आज भाइयों बहनों आप सबसे मैं यही कहने के लिए आया हूं, हमने नौकरी भी दी, अभी हमारी लगभग 90,000 नौकरियां और आ रही है। हर दिन कुछ न कुछ नौकरियों के परिणाम आ रहे हैं, नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। इस सिफारिश पे नहीं, योग्यता के आधार पर प्रदेश के नौजवानों को सम्मान देने का सरकार का कार्यक्रम का भिन्न हिस्सा है।